दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपने वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना और बैकग्राउंड में आप लगाना चाहते हैं किसी लग्जरी होटल या लग्जरी घर या कोई नेचर का अच्छा सीन लगाना चाहते हैं, तो ये बहुत ही इजी है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक सिंगल कलर पे एक अपनी वीडियो शूट करना होगा। अगर आपके पास ग्रीन स्क्रीन है तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। ग्रीन स्क्रीन में बहुत ही आसानी से आप अपनी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर पाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपनी वीडियो का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं और अपने हिसाब से कैसे अच्छे से अच्छा बैकग्राउंड लगा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ग्रीन स्क्रीन के पीछे पहले वीडियो शूट करना होगा और शूट करने के बाद आपको एडिट करना होगा। एडिट करने का प्रोसेस मैं इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू। सबसे पहले आप लोगों को किनेमास्टर ओपन कर लेना है, उसके बाद क्रिएट न्यू पे क्लिक करके अब सबसे पहले रिस्पेक्ट रेशियो चूज कर लेंगे। यहाँ पे यूट्यूब के लिए 16.9 का रेशियो सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद सबसे पहले दोस्तों क्लिक करके यहाँ पे मीडिया पे आपको यहाँ से एक इमेज चूज कर लेना है और जो भी आप बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं वो सबसे पहले आप एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप चाहें तो किसी भी टाइप्स का बैकग्राउंड ले लेंगे। यहाँ पे हम एक तरह का एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने ये वाला बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया है और हम इसे स्क्रॉल करके इसकी विड्थ को बढ़ा लेंगे। इसके बाद दोस्तों जो भी आपने ग्रीन स्क्रीन पे वीडियो शूट किया हुआ है उसे आप लेयर पे क्लिक करेंगे और मीडिया में जाएंगे और यहाँ पे वीडियो को इंसर्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने इंसर्ट कर दिया है और यहीं से चाहें तो आप इसे सबसे पहले क्रॉप करके इसे छोटा कर सकते हैं। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ से चाहें तो आप इसे नीचे करके इसे पहले सेट कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है क्रोमा की का, तो क्रोमा की का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। इस पे जस्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। और इसके लिए फिर से हम क्रोमा की पे जाएंगे और क्रोमा की पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ से हम इसकी सेटिंग करेंगे। सेटिंग करने के लिए दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आप इसे सबसे पहले इनेबल करेंगे और इसे यहाँ पे सेटिंग करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये हमारा थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, ग्रीन स्क्रीन का इफेक्ट जो है थोड़ा कम हो रहा है। तो इसे हम 30 पे सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे वाले ऑप्शन को थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन का काम होने के बाद आपको नीचे वाले ऑप्शन एक कर्व दिया है, डिटेल कर्व। डिटेल कर्व पे क्लिक करके आप इसको और अच्छी तरह से बेटर बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे इसे कैसे एडिट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो चुका है और यहाँ पे हमें थोड़ा सा प्ले करके देखेंगे तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा बैकग्राउंड एक नंबर का लग चुका है और यहाँ पे अब कुछ भी हमें देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं अपनी वीडियो में ब्राइटनेस बढ़ाना, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना और यहाँ पे, तो आपको यहाँ से दो ऑप्शन मिलेगा, एक कलर फिल्टर का, तो यहाँ से आप चाहें तो कलर फिल्टर दे सकते हैं। अदरवाइज आप चाहते हैं इसमें बिना कलर रखे तो आप यहाँ पर इसे नन भी कर सकते हैं। नन पे क्लिक करेंगे तो ये नन हो जाएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं लगेगा। साथ में अगर आप इसमें कोई ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहीं से आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं और सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये रेडी हो चुका है। अब जो ये बैकग्राउंड है दोस्तों यहीं तक है, इसे आप वीडियो के लास्ट तक यहाँ से बढ़ा सकते हैं और एक्सपोर्ट पर क्लिक करके हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ से हम इसका फ्रेम रेट चूज़ कर लेंगे, रिवोल्यूशन, और यहाँ से हम बिट रेट सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद जस्ट सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी वीडियो जो है गैलरी में सेव होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पे हमने प्ले कर दिया है, आप इसका बैकग्राउंड वगैरह देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इसमें एडिटिंग की है और कैसा ये लुक दे रहा है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ग्रीन स्क्रीन पे वीडियो कैसे इफेक्ट डालते हैं और कैसे अपने बैकग्राउंड को चेंज करते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।